आज एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं विश्वजीत पराशर, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट। विश्वजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इंडिया इन्वेस्टर वीक का ये बेहद ख़ास हफ्ता, जहां पर हम दर्शकों के निवेश से जुड़े और निवेश की सीख से जुड़े हर पहलू पर बात कर रहे हैं। विश्वजीत जी, मेरे साथ हमारे पहले दर्शक भी जुड़ चुके हैं जो सवाल पूछेंगे आपसे, अनिल कुमार रावत साहब। रावत जी नमस्कार, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैम जी नमस्कार, मैडम मैं देहरादून से बोल रहा हूँ। मैडम बढ़िया, सर बताइएगा कैसे आपकी सहायता करें, कुछ फंड्स में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है? मैं पहले अपने वाइफ के नाम से कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है मैम। एक तो है मैम SBI फ्लेक्सी का फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जी जी, और एक है SBI ESG एक्सक्लूड स्ट्रेटजी फंड। ठीक है सर, ठीक है सर। और एक है मैम ब्लू चिप फंड मैम SBI का ही, तीनों SBI का मैम, एंड 2000 rupees पर मंथ है SIP। ठीक है, ठीक है। एंड ये सर, मेरा 2017 से चल रहा है। अच्छा सर, फ्लेक्सी कैप ब्लू चिप तो ठीक है, ये आपको ESG किसने रेकमेंड किया? मैम रिकमेंड किसी ने नहीं किया था, मैं SBI में ऐसे मेरा अकाउंट था तो उसमें ऐसे फ्लेक्सी एक साथ ही SBI के ले लिए तीनों मैम। वो तो मुझे लग ही रहा है क्योंकि आपने तीनों ही फंड SBI के डाल रखे हैं, तो वो तो हम सवाल देख के समझ गए होंगे कि आपका खाता SBI में ज़रूर होगा। कभी सोचा नहीं आपने दूसरे फंड हाउस में भी पैसे लगाए जाएँ, दूसरे फंड हाउस की स्कीम भी खरीदी जाए, ऐसा ख्याल नहीं आया कभी? कभी नहीं आया मैम, इसलिए आपको कॉल किया मैम कि मेरे को एडवाइस चाहिए कि इसको मैं कंटिन्यू करूँ या मेरे को कोई चेंज ओवर करना चाहिए। अच्छा तो रावत जी जानना चाहेंगे आपसे और कितने साल तक इन्वेस्टमेंट करनी है और कोई खास लक्ष्य, कोई खास फाइनेंशियल गोल जो कि इस इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ हो? हाँ जी मैम। और मैम मेरे को एक चीज़ और पूछना था, मुझे अराउंड 2-5,000 और इन्वेस्ट करना है, मैं वो भी मेरे को मैम एडवाइस चाहिए कि किस फंड में उसको इन्वेस्ट करूँ मैम। तो रावत जी कितने साल तक रहेंगे निवेशित? मैम ये कंटिन्यू रहेगा, मे बी 10 years 15 years, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है मैम। और कितनी रकम इकट्ठा करनी होगी 10-15 साल के बाद? तो वो भी कोई प्लान नहीं मैम, ऐसे कोई फिक्स नहीं है, जस्ट आई एम रिटायर्ड पर्सन मैम। अच्छा आप रिटायर्ड हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि इस पैसे की जरूरत पड़ेगी बाद में, ऐसा कुछ है? आप आश्रित हैं, निर्भर हैं इस पैसे पर? नहीं मैम ऐसी कोई लायबिलिटी नहीं अभी मैम। चलिए बहुत बढ़िया, दाद देते हैं आपकी, रिटायर हैं उसके बावजूद भी इक्विटी में आपने दमखम दिखाया निवेश करने का। मेरे ख्याल से विश्वजीत जी ट्रेंड बदल रहा है ना, अभी रिटायरमेंट के बाद भी लोग इक्विटी में निवेशित रहना चाहते हैं, उसके जोखिम को शायद समझना शुरू कर दिया है लोगों ने। अच्छा लगता है जब इस तरह के दर्शक सवाल भेजते हैं, कहीं ना कहीं आपकी और हमारी मुहिम जो इतने सालों से हम कर रहे हैं वो थोड़ी बहुत ही सही लेकिन रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल बताइए क्या जवाब होगा रावत जी के लिए। जी बिल्कुल कविता जी, एक तो आप जो इन्वेस्टर अवेयरनेस वीक कर रही हैं, अभी मैं पहले सुन भी रहा था, कुछ आपके जो एक्सपर्ट थे पैनल में वो भी कह रहे थे कि अवेयरनेस की बहुत आवश्यकता है, तो ईटी नाउ स्वदेश एक बहुत बड़ा मुहिम लेके चलता है, बहुत लोगों को अवेयरनेस भी कर रहा है। मैं खुद अपने दोस्तों से मिलता हूँ, वो बताते हैं कि आपका शो देखते हैं और बहुत सारे फंड्स में लोगों ने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया है, तो बहुत बहुत मुबारकबाद। रावत जी आपने जो इक्विटी में शुरू किया है और वो भी अपनी धर्म पत्नी के नाम पे, तो बहुत अच्छी बात है, करवा चौथ का फेस्टिवल भी आ रहा है तो आपकी पत्नी काफी प्रसन्न होंगी। और ये जो पोर्टफोलियो, जैसे कविता जी बिल्कुल ठीक कह रही थी कि आपने सारे ही फंड्स SBI के लिए रखी, जो SBI है रावत जी ये इंडिया की नंबर वन AMC है, SBI का नाम घर घर में प्रसिद्ध है, तो उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, बट कोशिश करी जाती है कि डिफरेंट अलग अलग AMCs में अगर आप निवेश करते हैं तो क्या होता है कि आपका जो एक रिस्क होता है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, कभी कभी क्या होता है रावत जी एक ही AMC के फंड सारे फंड अच्छे चल रहे होते हैं, कभी कोई फंड नहीं चल रहा होता, तो आपका पोर्टफोलियो कभी कभी एक रिस्की हो जाता है, कभी कभी ऐसा रिस्क हो जाता है कि सारे फंड्स में रिटर्न ही नहीं आ रही है। लेकिन अगर आपने अलग अलग AMC के कुछ अच्छे बेहतरीन फंड चुने हुए हैं तो आपको ऐसा रिस्क नहीं देखने को मिलेगा। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप SBI फ्लेक्सी कैप फंड में जो आपने निवेश किया हुआ है वहां से शिफ्ट कर आप किसी और एक और फ्लेक्सी कैप फंड में चले जाएं जिसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड या फिर बजाज फिनसर्व का फ्लेक्सी कैप फंड, इसमें आप शिफ्ट कर सकते हैं अपनी SIP को। कुछ नहीं करना, आपने ये SIP ये रोकनी है और नए फंड में ये वाली SIP सेम को शुरुआत कर देनी है। जो ESG फंड है वो भी एक थीमेटिक टाइप ऑफ फंड है जिसमें एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस जो कंपनियां होती हैं उस पे जो फॉलो करते हैं क्राइटेरिया को उन्हीं कंपनियों में निवेश करते हैं, बहुत अच्छी थीम है। लेकिन
क्योंकि अभी आप शुरुआत ही कर रहे हैं और आप खुद आपने बताया कि आप रिटायर्ड हैं, तो थीमेटिक फंड से बच सकते हैं। इसकी जगह भी आप कोई मल्टी कैप फंड ले सकते हैं, जैसे कि कोटक मल्टी कैप फंड। तो आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर भी मिल जाएगा, तो आपका पोर्टफोलियो पूरा डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। और जो आपका SBI ब्लू चिप है उसमें आप निवेशित रहें, एक लार्ज कैप फंड है, अच्छा है, उसमें आप बने रहें। और बाकी जो 4,000 रुपये आपने और इन्वेस्ट करने हैं, अभी रावत जी और फंड्स ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको एक मल्टी कैप फंड सजेस्ट कर दिया है, एक फ्लेक्सी कैप भी है और लार्ज कैप आपके पास ऑलरेडी है, तो इसी में अभी ऐड करें। फिर आगे चलकर अगर मार्केट में कुछ बदलाव आता है, हर साल अपना पोर्टफोलियो आप रिव्यू करते रहें, तो फिर हम कोशिश करेंगे जब मार्केट थोड़ी ठीक लगेगी तो मिड कैप स्मॉल कैप में भी एक्सपोजर लेने की कोशिश करेंगे। पर अभी मल्टी कैप के थ्रू ही आप निवेश करें, तो ऐसा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएंगे तो अच्छे रिटर्न्स भी बन जाएंगे। जो गोल आपने अभी नहीं सेट किया, अगर वो सेट करेंगे तो आपको एक लालच रहेगा कि मैं और अपना निवेश बढ़ाऊं ताकि मैं उस गोल को हिट कर पाऊं, तो ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा। बहरहाल काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट है, बने रहे। ऑल द बेस्ट रावत जी आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए, और जो बदलाव बताए गए हैं उनको अपने पोर्टफोलियो में आप लागू कीजिएगा। सप्तर्षि डे हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हो आप? नमस्ते मैम, मैं सिलीगुड़ी से बोल रहा हूँ, वेस्ट बंगाल। बहुत अच्छा लगा आपने अपना सवाल हमें भेजा। फंड्स के नाम मेरे पास हैं, बताइएगा कुछ और आपको सहायता जो आपने लिखकर भेजी है उसके अलावा कुछ और पूछना चाहते हैं, क्योंकि ये सवाल हमारे एक्सपर्ट के पास है तो वो आपका सवाल का जवाब देना अभी शुरू कर सकते हैं। नहीं मैम, यही क्वेश्चन था बस। ऑलराइट, तो विश्वजीत जी, फाइनेंशियल गोल इनका कॉर्पस है 5 CR का, और 50 के हो जाए तब तक ये इन्वेस्टेड भी रहना चाहते हैं, यानी 16 साल लमसम भी इनको इन्वेस्ट करना है। कुछ इन्होंने फंड्स की चॉइस भी लिखी है, बताइए। तो सप्तर्षि जी, आपने निवेश करना शुरू किया हुआ है, 2 मल्टी कैप फंड्स हैं आपके पास और 2 स्मॉल कैप फंड्स भी हैं और एक फोकस्ड कैटेगरी फंड है। तो सबसे पहले तो मैं आपका थोड़ा पोर्टफोलियो में थोड़े से बदलाव करना चाहूंगा ताकि एक डाइवर्सिफाइड और एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बन जाए। तो जो सेम ही कैटेगरी में दो दो फंड्स हैं उसको हम थोड़ा अलग अलग कर सकते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड अच्छा है, आपके पास क्वांट एक्टिव फंड भी है, वो भी मल्टी कैप कैटेगरी में ही आता है। तो कोशिश कर सकते हैं कि क्वांट मल्टी कैप से, एक्टिव फंड से आप क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड में चले जाएं, तो एक थोड़ा डाइवर्सिफाइड भी हो जाएगा, एक डिफरेंट कैटेगरी आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगी। और जो कोटक स्मॉल कैप फंड है इधर से भी निकल गए, क्योंकि आपके पास निपॉन इंडिया स्मॉल, टाटा स्मॉल कैप फंड है, तो 2 स्मॉल कैप फंड की आवश्यकता नहीं है। तो कोटक स्मॉल कैप की जगह कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में चले जाए तो एक मिड कैप फंड भी आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा। और ये जो निपॉन इंडिया फोकस फंड है सप्तर्षि जी, ये थोड़ा सा ना कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है, तो अभी कोशिश करें आप एक थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड फंड में रहें। तो निपॉन का ही एक लार्ज कैप फंड है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, ये वाली SIP आप उसमें स्विच कर दें, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में। तो ये 3 बदलाव करेंगे तो पोर्टफोलियो पूरा बैलेंस हो जाएगा, डिफरेंट कैटेगरीज हो जाएंगे और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी थोड़ा बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा जो आपने एक गोल सेट किया हुआ है वो है 5 करोड़ का, और अभी आप जो निवेश कर रहे हैं वो है 21,500 की SIP। तो अगर हम 21,500 की SIP को 12% का CAGR लेके चले तो ये करीब करीब 1,24,00,000 रुपए बन जाते हैं 16 वर्ष में, जैसा कि आपने टाइम होराइजन बताया। तो अगर आपको 5 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंचना है तो करीब करीब 50-60 हजार की SIP और शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी आप इतना बड़ा लक्ष्य अचीव कर पाएंगे। या फिर अगर आपको लगता है कि इकट्ठा नहीं शुरुआत कर सकते तो एक हम अप्रोच कहते हैं जिसको हम कहते हैं स्टेप अप अप्रोच। तो कोशिश करें हर साल अपनी SIP को एनुअली इंक्रीमेंट करते जाएं, बढ़ाते चले जाएं, तो करीब करीब 15 या 20% आप अपनी SIP को बढ़ाएंगे तो आप अपने लक्ष्य के काफी करीब पहुंच जाएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। तो ये थोड़े से बदलाव करने हैं। और दूसरा, आपके कुछ थीमेटिक फंड्स भी ले रखे हैं और 4 थीमेटिक फंड्स हैं आपके पास, तो सप्तर्षि जी कोशिश करें कि थीमेटिक फंड में आप ज्यादा एक्सपोजर ना बढ़ाएं। हालांकि जो सेक्टर्स आपने चुने हुए हैं वो काफी अच्छे हैं, जैसे कि एक मैन्युफैक्चरिंग फंड है, डिजिटल इंडिया फंड है, इसके अलावा 2 सेक्टर और हैं, कंज्यूमर फंड भी है आपके पास और हेल्थ केयर फंड है DSP का। तो ये चारों ही फंड बहुत अच्छे हैं, अभी निवेशित रह सकते हैं। आपने 50-50 हजार रुपए इसमें निवेश किए हुए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपोजर ना लें क्योंकि कभी कभी थीम प्ले आउट भी हो जाती है। तो अभी देखा होगा आपने मैन्युफैक्चरिंग में चुनाव से पहले काफी अच्छे रिटर्न थे लेकिन अभी थोड़े कम हुए हैं। कंज्यूमर सेक्टर जो है आने वाले समय में ऐसी उम्मीद की जाती है क्योंकि हमारे इंडियंस की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है तो लोग और स्पेंड करेंगे तो कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है इंडिया में, तो ये सेक्टर भी अच्छा ग्रो करेगा। तो थीम्स अच्छी है लेकिन थोड़ी रिस्की होती है, तो आप कोशिश करें किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से
इसमें बने रहें, और जब ये थीम प्ले आउट हो जाए तो वहां से निकल भी सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको नजर रखना पड़ेगा, हर 6 महीने 1 साल में आप इसको रिव्यू करते रहें, ताकि आपको कोई ऐसा हाई रिस्क ना लेना पड़े या रिटर्न्स में फॉल ना देखना पड़े। तो मेरे ख्याल से बाकी सब अच्छा है, आपके फंड्स को मैंने बदलाव बता ही दिया है, तो ये थोड़े से चेंज करेंगे तो आप अपने गोल के काफी नजदीक पहुंच जाएंगे। डे साहब, ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए। आयुष कुमार गुप्ता मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। आयुष, हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। कैसे हो आप? बढ़िया मैम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। आयुष, पढ़ाई करते हो आप? कहाँ, किस स्टैंडर्ड में हो? मैम, मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लिया हूँ मैम, फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ मैम। अच्छा, ओ लवली। आपने अपने सवाल में लिखा है कि आप पॉकेट मनी बचाकर SIP की शुरुआत करना चाहते हैं। जी मैम। इसके अलावा भी आपने कहीं और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पढ़ा है, सुना है? म्यूचुअल फंड्स में SIP के बारे में क्यों इतनी जागरूकता, या आपकी प्रेफरेंस ये क्यों है? बिकॉज आपकी एज के जितने भी दर्शक हैं हमारे या इन्वेस्टर्स हैं, वो क्रिप्टो या FNO या इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो क्या आपने भी वहाँ पे हाथ आजमा रखा है, या आपको ये सेफ जोन पसंद है इन्वेस्टमेंट की, म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए शेयर बाज़ार में निवेश करना? मैम, मेन मेरा यही एम है मैम कि स्लो बट स्टडी विंस द रेस मैम। और जहाँ तक मैंने देखा था, अगर मैम म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए वो बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है मैम। चलिए, बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से कम उम्र में आपने अपने बेसिक्स को काफ़ी क्लियर कर लिया है, और यही वो बेसिक्स हैं जो आपको आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी में, आपकी लाइफ की जर्नी में आपके काम आएंगे। तो आयुष, थैंक यू, आपने अपना सवाल हमें भेजा और हमें मौका दिया कि हम आप जैसे निवेशक से बात करें। और आपके ज़रिए देखिए, ऐसे बहुत सारे दर्शक हैं, निवेशक हैं, जो बहुत कुछ सीख भी पाएंगे। विश्वजीत जी, इनकी उम्र के जब कम से कम मैं थी, तो मैंने कभी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में नहीं सोचा था, उतनी जागरूकता भी नहीं थी, समझ भी नहीं थी। सो आयुष को तो हम कंग्रेचुलेट कर ही रहे हैं, और समझ देखिए इनकी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। लॉन्ग टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो इनको बनाना है, वो क्लैरिटी पहले दिन से ही है, और पॉकेट मनी बचा के कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये काबिले तारीफ है। बिल्कुल कविता जी, बहुत सारी चीजें काबिले तारीफ हैं, और आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप नहीं, मैंने को, अगर मुझे भी पता होता 18 साल में निवेश कर सकते तो आज कहानी कुछ और होती। क्योंकि जिस तरीके से मार्केट ग्रो करी है, इंडिया ग्रो किया है, शायद उस समय इतनी अकल नहीं थी और उतनी अवेयरनेस भी नहीं थी। तो आज के अगर आयुष ने ये शुरुआत करी है और ऐसा सोचा है, तो बिल्कुल बिल्कुल मुबारकबाद के काबिल है उनकी ये तारीफ। और ये बिल्कुल उनको, मतलब जो क्रिप्टोज भी नहीं कर रहे हैं, बहुत हाई रिस्क भी नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल अवेयरनेस से सोच समझ के निवेश कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आयुष जी, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। और ये जो 5,000 रुपये आप पॉकेट मनी से बचा रहे हैं, तो ये बिल्कुल आप इसको कोशिश करें, पहले आप लार्ज कैप और एक मल्टी कैप फंड में निवेश करें, ताकि आपको एक्सपोजर हो जाए कि मार्केट में जब उतार चढ़ाव आते हैं तो फंड्स किस तरीके से परफॉर्मेंस देते हैं, क्या रिस्क रहता है। और धीरे धीरे मुझे पूरी उम्मीद है, जब आप अपना पोर्टफोलियो इंक्रीज करेंगे तो और मिड कैप, स्मॉल कैप जैसे फंड्स में भी निवेश कर सकते हैं। बट अभी शुरुआत में लार्ज कैप और एक मल्टी कैप फंड लें, क्योंकि आप यंग एज में हैं और आपको लंबे समय में आपको इक्विटी के पावर ऑफ कंपाउंडिंग का, रिटर्न्स का पूरा लाभ मिलेगा। 5,000 रुपये अगर हम 12% का CAGR लेके चलते हैं, तो करीब करीब 94 लाख बन जाते हैं 25 साल में। और वहीं अगर हम 10% का स्टेप अप करते हैं, तो ये 2,13,00,000 रुपये बन जाते हैं 25 साल में। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पूरा पूरा एडवांटेज मिलता है, मुझे ऐसी उम्मीद है, क्योंकि आपने 18 में शुरुआत करी है, तो एक बहुत बड़ा कॉर्पस आप बनाएंगे और बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी भी फॉलो कर रहे हैं। और आपने सवाल पूछा, बिल्कुल कविता जी ने कहा, बहुत आप बहुत सारे लोगों के लिए उदाहरण है, तो जरूर अपना निवेश बढ़ाते रहें और एक अच्छा कॉर्पस बनाएं। ऑल द बेस्ट। और इसी के साथ विश्वजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज समय निकाला और इतने खास पेशकश में शिरकत की, दर्शकों का मार्गदर्शन किया उनकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ हम भी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस की, और साइबर इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है आपके लिए, और किस तरह से आप अपने आप को ऑनलाइन फ्रॉड से बचा सकते हैं, अपने गाड़ी कमाई को बचा सकते हैं, तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।